दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। भजन संहिता अध्याय 3 सहायता के लिए प्रत्येकालीन प्रार्थना। दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अब्सालोम के सामने से भागा जाता था। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि आप इस वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है उस वक्त के लिए जब दाऊद अपने पुत्र अब्सालोम के सामने से भागा जाता था। यहाँ पर परमेश्वर से दोहाई लगा रहा था कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, जो मेरे सताने वाले बहुत बढ़ चुके हैं, मेरे अपना ही मेरे विरुद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि किस तरह से परमेश्वर उसकी सहायता करता है, और यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया है और कहता है कि परमेश्वर ने उसके जबड़ों पर मारा है, दुष्टों के दांतों को तोड़ डाला है, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। दाऊद कभी प्रार्थना अपने लिए नहीं करता, दाऊद कभी भी प्रार्थना सेल्फिश होकर नहीं करता था। दाऊद जो प्रार्थना करता था वो दूसरों के लिए, अपनी प्रजा के लिए करता था, क्योंकि वो एक राजा था और वो जानता था उसका कर्तव्य है कि उसकी प्रजा की रक्षा वो स्वयं करे। इसीलिए दाऊद हमेशा अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता था, और जब वो अब्सालोम के सामने से भागा जाता था तो उसका परिवार और उसके प्रजा भी उसके पीछे थे, जो उसके साथ साथ थे, वो उसके जो हमेशा दाऊद के साथ थे, उस पर विश्वास रखते थे, वो दाऊद की अधीनता में थे, तो वो दाऊद के साथ साथ चल रहे थे उस वक्त पहाड़ों में, जब परमेश्वर ने उसे वापस उन्हीं पहाड़ों में भेज दिया उस पाप के कारण जो दाऊद ने बतशेबा के साथ किया था। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि किस तरह से दाऊद दुविधा में पड़ा अपने पाप के कारण, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस पर दया की और उसने अपने पवित्र आत्मा को खोने नहीं दिया। परमेश्वर से प्रार्थना भी की कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, भजन संहिता 51 में। हालेलुया। तो यहीं पर परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता है, भजन संहिता 3:4 में कहता है कि मैं ऊँचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। इसका मतलब परमेश्वर ने उत्तर दिया उसे, और फिर कहता है कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। वो प्रार्थना करके चुपचाप सो गया, वो लेट कर सो गया, और फिर जब सुबह जाग कर उठा तो कहता है कि क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, इसलिए मैं चैन से सो जाता हूँ। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर से दाऊद की जो प्रार्थना है वो अग्रेसिव प्रार्थना है, अपने लिए ही नहीं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना है, प्रजा के लिए प्रार्थना है, और पश्चाताप की प्रार्थना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि आप इस वचन को समझ गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वचन के साथ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।